बचपन में ना मैं डिब्बी वाले आइसक्रीम बहुत लेकर के खाती थी, और उस टाइम पे ना 2 और 3 रुपए की डिब्बी मिलती थी, बट आज के टाइम पे तो 10 रुपए की मिलती है। तो हम बाजार में मिलने वाली डिब्बी वाली आइसक्रीम घर पर ही बनाएंगे, वो भी घर के ही सामान से, बिना क्रीम के। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। 1 गिलास दूध को गर्म होने के लिए रख देना है। 1 चम्मच लेना है गेहूं का आटा, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, थोड़ा दूध डाल करके इसका घोल तैयार कर लेना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गेहूं के आटा का बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। दूध में उबाल आ जाएगी तो चीनी डालना है, मेल्ट होने देना है, फिर थोड़ा थोड़ा सा ये आटा वाला जो मिश्रण है ना इसको डालना है, अच्छे से चलाते जाना है। 5 से 7 मिनट के लिए दूध को पका लेना है, ठंडा होने देना है। इसके बाद ग्राइंडिंग जार में डाल करके अच्छे से पीस लेना है, यानी कि ग्राइंड कर लेना है। फिर इसको 2-3 घंटे के लिए जमने के लिए रख देना है। लगभग 50% ये आइसक्रीम जम जाए तो इसको दोबारा से चर्न करना है। 2 अलग अलग बाउल में ट्रांसफर करना है, मन मुताबिक फ्लेवर ऐड करना है। मैं एक में वनीला डाल रही हूँ, एक में मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल रही हूँ, थोड़ा सा पिंक कलर डाल रही हूँ, और जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उस तरह से डिब्बी में अरेंज कर देना है। लीजिए तैयार है डिब्बी वाली आइसक्रीम। वीडियो को लाइक शेयर करिए, आइए वीडियो पसंद आया होगा।